Hello to all my friends, well-wishers, supporters. कल मेरा rally है citizenship amendment bill को लेकर और venue है Hakutwisa school field near Dumachora, Monu Bazaar के सामने Dhalai district at 12 बजे है हमारी ये program. मैं सबको निवेदन करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि कल प्लीज़ आइए. बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है कि पुइला जाति उलो पार्टी प्रैक्टिकल नहीं है, किसी ने कहा है कि ये देश के खिलाफ है, लेकिन अपने जाति अपने राज्य अपने लोगों के बारे पहले उनकी सोच और इंटरेस्ट को रखना और पार्टी पॉलिटिक्स को बाद में रखना कोई गलत शब्द नहीं है. और मैंने एन सी देवर्मा का भी मैंने स्पीच सुना है. उन्होंने कहा है कि पुइला जाति उलो पार्टी प्रैक्टिकल नहीं है. एकदम प्रैक्टिकल है. सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में हमें पहले जाति के बारे सोचना चाहिए, ना कि पार्टी के बारे. उसके बाद जब इलेक्शंस होगा तो आप IPFT से लड़िए, कोई और IMPT से लड़ेगा, कोई और BJP से लड़ेगा, लेकिन जब आप जाति को पहले रखते हैं ना, तो आप पार्टी को पीछे रखकर इशू बेस में आप एक संग आते हैं. मैंने पुइला जाति उलो पार्टी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के विरुद्ध में मैंने ये सबको निवेदन किया था कि आप पार्टी को छोड़िए, पहले अपने जाति के बारे सोचिए, पहले अपने राज्य के बारे सोचिए. इसमें कुछ गलत बात नहीं है. मैंने ये नहीं कहा कि इसके बाद आप पूरी जिंदगी पार्टी को छोड़ दीजिए और सिर्फ जाति को लेकर आप चलिए. मैंने ये नहीं कहा. अगर आप सोचेंगे समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि मेरा अंदर क्या है. मैंने हमेशा कहा है कि आप नागालैंड को देख लीजिए. उन्होंने मिजोरम के बारे कहा, उन्होंने नागालैंड के बारे कहा, तो आप उनसे सीखिए. नागालैंड में BJP है, MNF है, कांग्रेस है, ZRM है, लेकिन कुछ इश्यूज में मिजोस अपने समुदाय के बारे पहले बात करते हैं, ना कि पार्टी के बारे. नागालैंड में भी यही चीज है. अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में, तो जब मराठी का कोई सेंटिमेंट आता है तो पहले वो मराठी के बारे पहले बात करते हैं. बिहार में जब कोई शत्रुघ्न सिन्हा को बिहारी बाबू कहता है तो कोई नहीं कहता कि वो कम्युनल है. आसाम में हमेशा एक गोगोई या सोनोवाल एक जातियों नायक के नाम से निकलता है. जब कोई उनको जातियों कहता है तो कोई कम्युनल नहीं कहता. तो मुझे खराब क्या लगता है कि ज्यादा समय हम पॉलिटिक्स में रहते और लोगों के बारे बात नहीं करते. तो मैंने ये कहा था पुइला जाति उलो पार्टी जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है तो इस समय कोई को कांग्रेस BJP CPM और IPFT नहीं देखना चाहिए, INPT नहीं देखना चाहिए. पहले अपने राज्य के बारे सोचना चाहिए, अपने समुदाय के बारे सोचना चाहिए. कल मेरी रैली है और डुमाछोरा ढलाई डिस्ट्रिक्ट में है, मोनो बाजार के सामने. वेन्यू तो मैंने पहले से कह दिया है कि Hakutwisa स्कूल ग्राउंड है, 12 बजे है, मैं रहूंगा. और उस रैली में हम सब वहां में फिर से कोई झंडा नहीं रहेगा, कोई बैनर नहीं रहेगा, सिर्फ एकता रहेगा, थंचा रहेगा. और मैं IPFT के लोगों को, INPT के लोगों को, BJP के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, जो भी है TPF के लोगों को, सबको निमंत्रित करना चाहता हूँ. आइए और पूरे देश को दिखाइए कि त्रिपुरा में बंगाली हो, मुस्लिम हो, तिप्रासा तिप्रजक हो, मणिपुरी हो, चकमा जो भी हो, मोग जो भी हो, हम सब एक हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ. अगर इसमें भी हम एक नहीं हो सकते, इसमें भी हम एक दूसरे की निंदा करेंगे, तो ये स्टेट का क्या होगा, ये देश का क्या होगा. और हमारे जो लीडर्स हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, उनको क्या चिंतित है कि उनको लगता है कि ये सब पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है.
ये पॉलिटिक्स के लिए नहीं हो रहा है। सिटीजनशिप बिल अगर कोई कल विड्रॉ कर देता है राज्यसभा से, मैं अपना एजिटेशन उसी दिन विड्रॉ कर दूंगा। और अगर कोई कह रहा है कि मैं अपने पॉलिटिकल करियर के लिए आगे जा रहा हूं, मेरा पॉलिटिकल करियर तो रहेगा ही नहीं ना अगर मैंने अपने लोगों को झूठ बोला और उनके खराब समय में मैं उनके साथ नहीं रहा। तो एक दायित्व बनता है हम सबका। इसके लिए मैं सबसे सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए। ये पॉलिटिक्स से बड़ा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। हमारे मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने भी कुछ चीज़ मेरे खिलाफ कहा है। मैंने सोशल मीडिया में मेरे खिलाफ बहुत गंदी गंदी गाली बात पर्सनल अब्यूज हुआ है। मैं हमारे सपोर्टर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम कोई भी चीज़ ना कहे किसी कम्युनिटी के खिलाफ जो कल हमारे खिलाफ जाता है। ये गेम है पॉलिटिशियंस का, ये हमें बांटना चाहते हैं। त्रिपुरीज, बंगालीज, हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस हमको बांटना चाहते हैं, हमको नहीं बांटना है। हम सब इस इशू में, मुझे बहुत सपोर्ट मिला है फ्रॉम द बंगाली कम्युनिटी, मुझे बहुत सपोर्ट मिला है फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। वो भी समझते हैं कि कल अगर हम बांग्लादेश से आदमी को लेके आएंगे तो कल उन्हीं का जो संतान है उन्हीं को नौकरी नहीं मिलेगा, उन्हीं को सुविधा नहीं मिलेगी, और जो हिंदुस्तान के हित के लिए बोल रहा है उनको देशद्रोही का चार्ज दिया जा रहा है, और जो कह रहा है कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से आदमी को लेके आएंगे वो देश प्रेमी हो गया है। ये है सच बात। तो प्लीज कल के रैली में जरूर आइए, 12 बजे है रैली, मैं रहूंगा। और शांतिपूर्वक, कोई किसी को कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा, सब एक आवाज में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए बोलेंगे। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं, आप आइए और एक संग होकर हम काम करेंगे। बेलाई बेलाई नोहाम बाय, धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच।